एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बुधवार को तहसील के सभागार में कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों के साथ बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम सदर ने कहा कि महानगर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए शहर में 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाकर कोरोना की निःशुल्क जाँच कराई जा रही है। एसडीएम सदर ने बताया कि जांच की प्रक्रिया में गोरखपुर जनपद का पूरा प्रदेश में दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हम लोग शहर में 3000 से 3500 लोगों की जांच करा रहे हैं। अब हम लोग ऐसे जगहों पर शिविर लगाएंगे जहां पर मरीजों की संख्या अधिक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में लगने वाले 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से निःशुल्क कोरोना शिविर लगाए जा रहे हैं। शहर के कंटेनमेंट जोन में सभी कंटेनमेंट जोन को आइडेंटिफाई करके और हर कंटेनमेंट जोन की स्थिति को देखते हुए उन जगहों पे ये शिविर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या अधिक मिली है, और ऐसे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको उनमें जाँच कराई जा रही है। तो हमारे तहसील सदर के अमीन एवं क्षेत्रीय लेखपाल इस पूरे मुहिम में डे टू डे काम कर रहे हैं, तो इसी की समीक्षा होती है कि कितने कंटेनमेंट जोन बने और कितने कंटेनमेंट जोन के लोगों को टेस्टिंग कराई। बताते हुए हर्ष है कि गोरखपुर प्रदेश का दूसरा जनपद है जहां पे सबसे अधिक टेस्टिंग हम करा रहे हैं। अर्बन में लगभग 3000 से 3500 टेस्टिंग पर डे हो रही है, और सभी कंटेनमेंट जोन को आइडेंटिफाई करके उनके लोगों की टेस्टिंग हम करा रहे हैं, इसी की समीक्षा हम इस बैठक में कर रहे थे।